नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार द्वारा आपदा कोष 2023 बनाया गया और इसके लिए बैंक अकाउंट नंबर जारी किया गया। रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से इसको लेकर आपदा कोष का QR कोड भी जारी किया, जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकें। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से काफी तबाही देखने को मिली है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए आपदा कोष 2023 का गठन किया गया है, जिसके लिए दो बैंकों को चिन्हित किया गया है और अकाउंट नंबर जारी कर दिए गए हैं। CM ने कहा कि अब तक कई राज्यों से लोग इस आपदा कोष में अंशदान दे चुके हैं और 50 लाख के करीब अभी तक आपदा कोष में जमा हुआ है। वहीं आपदा कोष में अंशदान देने वाले लोगों का मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया। जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, QR कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके और उनके लिए दो बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं, जिस अकाउंट नंबर में, जिस IFC कोड में पैसा डिपॉजिट होना है, और दो तीन दिन में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि उसकी परमिशन जो है भारत सरकार से लेनी पड़ती है, जो भी विदेशों से डोनेशन आती है। मैंने उस संदर्भ में बात भी की है और विदेशों से कई साथी हमारे जो हमारे टाइम के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी हिमाचल के काफ़ी लोग वहाँ ठहरे हैं, वो हिमाचल के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो दो तीन दिन में वो भी जारी हो जाएंगे। अभी विदेशी पर्यटकों को, विदेशी जो हिमाचली लोग वहाँ बसे हैं उनको समस्या आ रही है, तो मैं सभी अभी काफ़ी लोग इसमें दान कर चुके हैं। कोई बेंगलोर वाले हैं, कोई गुड़गांव वाले हैं, कोई दिल्ली वाले हैं, कोई कलकत्ता वाले हैं। तो इस त्रासदी के अवसर पर मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और क्योंकि कई यूथ साथी स्कूल के बच्चों का भी मुझे फ़ोन आया, तो उनके लिए हमने QR कोड के द्वारा, गूगल पे के द्वारा ये हमने जारी किया है। QR कोड के द्वारा वो अपनी राशि दान कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने घुमारवी उपमंडल के तहत दधोल में बारिश के चलते प्रभावित हुई गौशाला का निरीक्षण किया और आपदा प्रभावित इलाके का भी दौरा किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने आयोजित टिफिन बैठक में भी शिरकत की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है, जिसके मद्देनजर आपदा के दौरान पहाड़ों में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए 13 NDRF की टीम सहित भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भेजने का काम किया। साथ ही 361 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर संकट की इस घड़ी में प्रदेश को राहत देने का भी काम किया है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां संभव हो सका वहां जाने का प्रयास किया। लगभग 60-70 ऐसी लोकेशंस पे जाके जहां नुकसान हुआ उसका जायजा भी लिया, और जो विभाग को निर्देश जारी करने की आवश्यकता थी वो भी हमने कहे, और तुरंत राहत लोगों को मिले उसके लिए भी लगातार अधिकारियों को कहा गया है। अगर किसी के घर को खतरा पैदा होता है, सुरक्षा दीवार लगाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर पैसा देने के लिए, किसी का नुकसान हो चुका है तो उसके सुधार लाने के लिए उसको मदद की जाए, और जिन लोगों के नुकसान हुए उनके जल्दी वहाँ पर आकर पटवारी अपनी रिपोर्ट दे और DC महोदय से उसको पैसे मिल पाए। हमने उस सारे कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी भी किए हैं, और जहाँ बड़े खतरे पैदा हुए, जहाँ पर लगता है कि कई विभागों का रोल आएगा, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी,
उसको लेकर अभी अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। आज भी मैंने दिशा कमेटी की मीटिंग बिलासपुर की रखी है, कल ऊना की रखी है, वो इसी से संबंधित ज़्यादा रहेगी कि जिन लोगों को नुकसान हो पाया वो भी, और जो केंद्र सरकार की योजना है उनको भी हम लागू कर सकें। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, 13 NDRF की यहाँ पर टुकड़ियाँ भेजी गई और उन्हें लगातार प्रदेश के कई लोगों को जान को भी बचाया, माल को भी बचाया और इस बाढ़ की परिस्थिति से बचाने का कार्य हुआ। इंडियन एयरफोर्स के 2-2 हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने यहाँ पर दे के रखे थे। बहुत सारे हमारे यहाँ पर एयरफोर्स के जवान, ये सब लोग वहाँ पर लगे हुए थे। केंद्र सरकार से फॉरेंसिक साइंस की लेके जो लोग विशेषज्ञ हैं उनको भी भेजा गया ताकि उनका भी लाभ मिल सके, और भी जो राहत केंद्र की ओर से चाहिए थी वो भी थी। जो पैसों की बात है वो भी 180 करोड़ की एक किस्त, 181 करोड़ की दूसरी किस्त, ये लगातार केंद्र सरकार ने दी है। और जब भविष्य में राज्य की ओर से एक एस्टिमेट बन के जाता है कि जब पूरा बरसात का सीज़न ओवर होता है तो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, वो भी जब एक बार जाएगा तो केंद्र सरकार ने ना पहले कोई कमी छोड़ी है ना आगे कोई कमी छोड़ेगी। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में 17 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में जारी भारी बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में जारी भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया है और हिमाचल के शीतकालीन स्कूल कल यानी 17 जुलाई को बंद रहेंगे। इससे पहले 10 से 15 जुलाई तक शीतकालीन स्कूल बंद किए गए थे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिमाचल से टीना ठाकुर। टीना ठाकुर, क्या कुछ जानकारी है? हिमाचल के शीतकालीन स्कूल 17 जुलाई को यानी कल बंद रहेंगे, ये शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जी इसको देखिए, पहले 10 से 15 जुलाई को ये स्कूल बंद किए गए थे और अब जो है हिमाचल में बारिश लगातार जारी है और कई जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट और कईयों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में एहतियातन ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, कर्मचारियों की सुरक्षा, वहाँ पे भी शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं, टीचर्स की जो सुरक्षा है वो बनी रहे, उसको और इसको ध्यान में रखते हुए एक दिन के लिए फिलहाल फिर से जो है इस छुट्टियां की गई थी उनको बढ़ा दिया गया है। कल तक जो है वो एक दिन की और छुट्टी कल यानी बढ़ा दी गई है और आगामी दिनों के लिए भी जो निदेशक उच्च शिक्षा विभाग है डॉक्टर अमरजीत शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो शिक्षण संस्थान है वो आगामी दिनों में भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर भी फैसला ले सकते हैं कि किस तरह से स्कूल बंद रखने हैं या फिर उनको बच्चों को स्कूल बुलाना है। अभी फिलहाल जो है एक दिन के लिए छुट्टी कल की जो है बढ़ाई गई है। जी टीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम और अहम जानकारी हमें साझा करने के लिए। सावन का महीना चल रहा है और सब शिव भक्ति में लीन है। वहीं हिमाचल के चंबा से एक खबर सामने आई है जहां मंदिर में नंदी जल पी रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत वर्षों के बाद फिर से एक बार देखने को मिल रहा है कि सदियों पुराने गांव सरोल में शिव मंदिर के प्रांगण में विराजमान भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय नंदी बैल पानी पी रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीण लोग खासकर महिलाएं दूर दूर से आकर भगवान के मंदिर में नंदी बैल को अपने हाथों से जल पिला रही हैं। भक्ति भाव में लीन ये महिलाएं इसे देखकर बेहद हैरान हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के इस चमत्कार को देखकर लोग इसे भगवान शिव का वरदान भी मान रहे हैं। खबर हिमाचल के ऊना से है जहां उपमंडल बंगाला की जनता को एक और सौगात दी गई है। बता दें कि विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो के अथक प्रयासों से बंगाला उपमंडल के SDM कार्यालय में पुराने एक्स मुसाफी देने के लिए अधिकारी तैनात कर दिया है और बहुत जल्द उक्त अधिकारी बंगाला में कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि जिला ऊना मुख्यालय पर उक्त कार्यालय होने पर उपमंडल बंगाना की ऊपर पंचायत की जनता को ज्यादा समस्याएं आती थी और इस समस्या का सदा के लिए विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने समाधान कर दिया है। सबसे पहले तो 247 चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत
धन्यवाद कि आप हर समय पे जो लोगों की जरूरतमंद की जो न्यूज़ें होती है वो आप उठाते रहते हैं। बुलेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, चाहे पशुशालाओं का हो, चाहे कई मकान वगैरह हमारे क्रैक हुए, कई डंगे हमारे जो कहीं चले गए, और मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये का नुकसान हमारे इसी तरीके से सोसाइटी में हुआ है। और उसके लिए आपने देखा कि लगातार जिस दिन पहले दिन जब बाढ़ आई थी सुबह 7:30 बजे हम जगह पर पहुँचना हमने शुरू कर दिया था और प्रशासन मेरे साथ था, और जहाँ जहाँ जो उचित सहायता की जा सकती थी वो फाइनेंस तौर पर सहायता भी कर दी गई है, और सारी रिपोर्टें तैयार कर दी गई हैं। जैसे किसी का डंगे का नुकसान है, किसी का पशुशाला का नुकसान है, वहाँ एक जगह हमारे जो कैजुअलिटी हुई है, जो हमारे एक पशु, एक किसी की भैंस जो मर गई, वो वहाँ भी हमने जो मुआवजा बनता था उसमें से कुछ भाग कुछ तो उन्होंने दे दिया था, बाकी बाद में कुछ फॉर्मेलिटी कम्प्लीट होने के बाद। अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो आप लगातार भ्रमण पे हैं, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं डंगे, तो जिस प्रकार से आपने दिशा निर्देश दिए यहाँ के SDM को दिए, तहसीलदार को, क्या वो रिपोर्टें जो है नुकसान की वो आ चुकी हैं? हर शाम को 5:30 बजे तहसीलदार और SDM से मेरी लगातार बात होती है कि कितना कहाँ कहाँ क्या क्या आज हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट लेके, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क करके, और मैंने स्पेशल मांग भी वहाँ की है कि जी हमें आर्थिक कुछ हमारी सहायता की जाए। जैसे मैं माननीय पंचायती राज मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि जो नरेगा में 50,000 रुपये का डंगा लगता था वो 1,00,000 रुपये का कर दिया, और उसमें मटेरियल भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा एक फैसला है लोगों के लिए। ये तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB News। नमस्कार।